ओम शांति। हम सभी इस सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यवान रॉयल कुल के, ब्राह्मण कुल के, देव कुल की महान आत्माएं हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी माँ प्रजापिता ब्रह्मा और बाप निराकार शिव है, प्यार का सागर है, दोनों की पालना में हम पलते हैं। अगर हमें अपने ब्राह्मण जीवन का नशा और इसकी स्मृति और परमात्मा पालना का ख्याल रहे, हम याद रखें, तो हमारे जीवन में अनेक तरह की रॉयल्टी आ जाएगी। छोटे विचार, छोटी दृष्टि, निगेटिव दृष्टि, परेशान रहना, ये सब छूट जाएगा। अगर कोई परेशान रहता है, अगर किसी में अभी तक भी बुरे संस्कार हैं, विकारों के संस्कार हैं, तो समय लेना चाहिए। उन्हें अभी ब्राह्मणपन की खुशी और नशा हुआ नहीं है। हमारा ये जन्म संपूर्ण रूप से अलौकिक है। हमारी दृष्टि अलौकिक, बोल भी सबसे न्यारे, हमारे विचार सबसे महान, हमारी धारणाएं पवित्रता पर आधारित। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, स्वयं भगवान ने हमें जन्म दिया है और जन्म लेते ही भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं खींच दी हैं। कोई बच्चा किसी बड़े कुल में जन्म ले, राजाई कुल में जन्म ले, तो कहा जाता है बड़ा भाग्यवान है, और हमने जन्म लिया है ईश्वरीय कुल में। तो सोचो, हमसे अधिक भाग्यवान इस सृष्टि पर भला कौन होगा। अपने स्वमान के साथ कि हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, भगवान हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी केयर करता है, रोज सवेरे हमें उठाता है, देखता है मेरे बच्चे सोए हुए तो नहीं हैं, उठा दूं इन्हें चल के, हम उठते हैं या नहीं, या करवटे बदलते रहते हैं, या बाबा कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग थोड़ा और सोने दो, बाबा हमें आकर पढ़ाता है, किसी को स्वयं भगवान पढ़ाए, ज्ञान का सागर पढ़ाए, त्रिकालदर्शी पढ़ाए और स्वदर्शन चक्रधारी बना दे, दिव्य बुद्धि से संपन्न कर दे, संपूर्ण रहस्य खोल दे, कितने भाग्यवान हैं वो। फिर हमें ब्रह्मा भोजन खिलाता है, हमें सुलाता है, सारा दिन हम पर दृष्टि रखता है, हमें शक्तियां बढ़ता है, माया से हमें सुरक्षित करता है, अच्छी टचिंग देता है। ये प्रभु पालना भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुई है। अब इसका फायदा उठाएं। हम सोचेंगे कि हम इतने श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है संसार को देने के लिए, हम केवल लेने वाले नहीं। कलियुगी ब्राह्मण तो लेने वाले होते हैं, हम ब्राह्मण हैं संसार को देने वाले पवित्र और महान आत्माएं। तो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग का संपूर्ण फायदा उठाएं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे समक्ष खड़ी है, जो चाहे ले लो, ऐसा पूरे कल्प में कभी नहीं होता कि भगवान से जो चाहे ले लो। मांगते रहेंगे, मांगना भी नहीं आएगा, छोटी चीज मांगेंगे, संपूर्ण भाग्य ले लो उससे, जितनी चाहे महानताएं भर लो, भाग्य जैसा चाहे बना लो, जन्म जन्म के लिए ताज और तिलक प्राप्त कर लो, श्रेष्ठ बुद्धि, सफलता का, निर्विघ्न जीवन का, महान विचार उत्पन्न करने का, श्रेष्ठ चिंतक बनने का वरदान ले लो। तो आइए हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने ब्राह्मण परिवार और कुल के स्वमान में स्थित होकर बहुत रॉयल बने। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिवान परम धाम से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और
आ जाते हैं, हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। देखें नीचे मैं शिव शक्ति मास्टर सर्व शक्तिवान और सिर के ऊपर बाबा सर्व शक्तिवान, ये हमारा कंबाइंड रूप, मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। ओम शांति।